वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज हम इस वीडियो में 7.2 का 7.2 एक्सरसाइज देख रहे थे क्लास 12th एनसीईआरटी की। तो चलिए उसमें से पांच क्वेश्चन हमने इससे पहले वाले वीडियो में देख रखा था। अब छठवें क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो हमको इंटीग्रल करना है क्या, ए रूट में ए एक्स प्लस बी का। अब देखो इसको करने का तरीका ये है कि हम पूरे को पूरे ये जो पूरा है उसको टी मान लेते हैं। जैसे लेट क्या करते हैं, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी। तो इसका ए एक्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ए आएगा, ए डी एक्स प्लस बी का करेंगे तो जीरो, बराबर क्या हो जाएगा डी टी। तो डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, वन अपान ए डी टी। अब इसमें हम क्या करते हैं, इस एक्सप्रेशन में पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस बी को क्या मान लिया हमने टी, तो रूट में क्या हो जाएगा टी। डी एक्स यहाँ पर क्या लिख देना है, वन अपान ए डी टी, सिंपल है। अब क्या कर सकते हैं इसमें, देखिए इंटीग्रल टी के पावर क्या कर सकते हैं, वन बाई टू इंटू वन अपान ए डी टी। अब इसको क्या कर लीजिए, वन अपान ए को बाहर कर लीजिए, वन अपान ए को बाहर कर लेंगे तो क्या बचेगा, इंटीग्रल टी के पावर वन बाई टू डी टी। अब चलिए इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, वन अपान ए होता ही टी के पावर वन बाई टू प्लस वन अपान टी के पावर वन बाई टू प्लस वन, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस सी। तो क्या हो जाएगा, वन अपान ए टी के पावर कितना हो जाएगा, थ्री बाई टू अपान थ्री बाई टू प्लस सी। तो ये टू ऊपर चला जाएगा तो क्या बचेगा, टू अपान थ्री ए टी के पावर थ्री बाई टू प्लस सी। अब टू हम टी किसको माना था हमने, टू अपान थ्री ए, टी की वैल्यू क्या थी हमारी, टी की वैल्यू थी हमारी ए एक्स प्लस बी। बस यहाँ पर रख दीजिए टी की जगह पे, ए एक्स प्लस बी के पावर थ्री बाई टू प्लस सी, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो इसमें हम रूट एक्स इंटीग्रेशन करना, रूट एक्स रूट एक्स और रूट अंडर रूट क्या है, एक्स प्लस टू। तो क्या करते हैं, एक्स प्लस टू को हम जो है टी मान लेते हैं, एक्स प्लस टू को क्या मान लेते हैं टी। चलिए लेट लेट अज्यूम एक्स प्लस टू इक्वल टू टी, एक्स प्लस टू इक्वल टू क्या हो जाएगा टू। चलिए इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो एक्स का क्या हो जाएगा हमारा, डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा डी टी, डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा डी टी। और इसमें से अगर हम इसमें से x की वैल्यू अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा t माइनस टू, x इक्वल टू क्या हो जाएगा t माइनस टू। चलिए पुट कर देते हैं, इंटीग्रेशन x यहाँ पे क्या रख दीजिए, t माइनस टू ब्रैकेट में x प्लस टू को हमने क्या मान रखा था t, और डी एक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा टी टी। चलिए इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, टी इंटू रूट टी माइनस टू रूट टी डी टी। फिर आगे देखिए इसको कर सकते हैं, टी के पावर वन और टी के पावर वन बाई टू माइनस टू टी के पावर वन बाई टू डी टी, इसको अलग अलग इंटीग्रेट दिखा दीजिए। तो ये हो जाएगा ए के पावर एम इंटू ए के पावर एन के एक्सप्रेशन से क्या होता है, ए के पावर एम एम प्लस एन, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन टी के पावर वन प्लस वन बाई टू, यहाँ लगा दें डी टी माइनस टू टी के पावर वन बाई टू डी टी। ये हो जाएगा टी के पावर थ्री बाई टू डी टी माइनस टू टी के पावर वन बाई टू डी टी। चलिए अब इंटीग्रेशन कर देते हैं, टी के पावर थ्री बाई टू में क्या हो जाएगा, टी के पावर थ्री बाई टू प्लस वन अपान थ्री बाई टू प्लस वन माइनस टू टी के पावर वन बाई टू प्लस वन अपान टी के पावर वन बाई टू, सॉरी टी के पावर नहीं रहेगा, वन बाई टू प्लस वन। तो इसको लिख सकते हैं टी के पावर क्या हो जाएगा, ये फाइव बाई टू अपान फाइव बाई टू माइनस टू टी के पावर क्या हो जाएगा, ये टी के पावर हो जाएगा थ्री बाई टू अपान थ्री बाई टू और प्लस कॉन्स्टेंट सी।
तो ये टू पर टू ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा टू टी फाइव फाइव के फाइव अपॉन टू अपॉन फाइव माइनस ये हो जाएगा फोर टी के पावर थ्री बाई टू अपॉन थ्री प्लस सी। अब इसको क्या लिख सकते हैं, टू अपॉन फाइव टी के पावर फाइव बाई टू माइनस फोर अपॉन थ्री टी के पावर थ्री बाई टू प्लस सी। अब इसमें क्या करते हैं, टू अपॉन फाइव लिख दीजिए, टी की वैल्यू क्या थी हमारी, टी की वैल्यू थी हमारी ऊपर से देख रहे हैं टी की वैल्यू हमने क्या रखा था, टी इक्वल टू एक्स प्लस टू, बस हम यहाँ पे रख दीजिए एक्स प्लस टू के पावर फाइव बाई टू माइनस फोर अपॉन थ्री एक्स प्लस टू के पावर थ्री बाई टू प्लस सी। ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है एक्स अंडर रूट में वन प्लस टू एक्स स्क्वायर डी एस, इसको इंटीग्रेट करना है तो वन प्लस टू एक्स स्क्वायर को टी मान लेते हैं, तो वन प्लस टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा टी लेट। अब वन का करेंगे डिफरेंस है तो जीरो हो जाएगा, टू एक्स स्क्वायर का हो जाएगा फोर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा डी टी अपॉन फोर एक्स। चलो पुट कर देते हैं एक्स अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर वन प्लस टू एक्स स्क्वायर को क्या लिख दिया हमने टी, और डी एक्स यहाँ पर लिख देते हैं डी टी अपॉन फोर एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, क्या बचा हमारा अंडर रूट टी डी टी अपॉन फोर। अब इसको क्या लिख सकते हैं, वन बाई फोर इंटीग्रेशन रूट में टी डी टी, ठीक है वन अपॉन फोर कर दिया इंटीग्रेशन, टी को क्या लिख सकते हो टी के पावर वन बाई टू डी टी। चलिए अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वन अपॉन फोर इस हो जाएगा टी के पावर वन बाई टू प्लस वन अपॉन वन बाई टू प्लस वन और क्या हो जाएगा प्लस सी, सिंपल है। चलिए देखते हैं, वन अपॉन फोर हो गया यहाँ पे, ये हो जाएगा टी के पावर थ्री बाई टू अपॉन थ्री बाई टू ब्रैकेट क्लोज प्लस सी, ये टू पर चला जाएगा तो हो जाएगा टू बाई फोर टी के पावर थ्री बाई टू अपॉन थ्री, कैंसिल आउट हो जाए तो वन अपॉन क्या बचेगा सिक्स हो जाएगा ये, और हो जाएगा टी के पावर थ्री बाई टू प्लस सी। फिर इसको क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन सिक्स लिखिए, और टी की वैल्यू हमने क्या रखी थी, टी की वैल्यू हमारी थी वन प्लस टू एक्स स्क्वायर के पावर क्या कर देंगे हम थ्री बाई टू प्लस सी, ये हमारा हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। तो हमने आज तीन क्वेश्चन देख लिया, अब मिलते हैं अगले वीडियो में आगे के क्वेश्चन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग कीप सपोर्टिंग।